अस्सलाम वालेकुम, हम बात करते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी, आप लोग इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का कोर्स अलनाफे पे मेरा ले रहे हैं। इस दफ़े ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं हैं, कम ही हैं। पहली असाइनमेंट है केगल के ऊपर, या लिंक में शेयर कर रहा हूँ। हमने गुफ्तगू का डेटाबेस चैलेंज लॉन्च किया है, इसमें 200,000 लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने मुख्तलिफ किताबें पिछले 2 साल के अंदर गुफ्तगू पब्लिकेशन से ख़रीदी। इस चैलेंज का मकसद ये है कि आप लाइव डेटा पर काम करें। देखिए, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं टाइटेनिक की तरह कोई एग्जांपल निकालूं, आपको काम सिखाऊं, उस पर आपको डिसीजन ट्री बनाऊं, क्लासिफायर लगाऊं और तालियां बजाने लग जाऊं कि आप डेटा साइंटिस्ट बन गए। जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो आप टाइटेनिक ढूंढते फिरेंगे, टाइटेनिक बनी, डूब गई, ख़त्म हो गई, अब रियल लाइफ में टाइटेनिक नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसलिए मैं आपको रियल लाइफ दिखा रहा हूँ डेटा। गुफ्तगू पब्लिकेशन से मेरी बात हो चुकी है, मैं उनके पास एडवाइज़र भी हूँ, उनके पास इन्वेस्टर भी हूँ। उन्होंने बोला कि जो बंदे कर्नल्स बनाएंगे टॉप 3 को वो हायर कर लेंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम उनको बहुत सारी किताबें फ्री में भेजते रहेंगे। तो अच्छा है अगर आपकी साल भर की किताबों की सप्लाई फ्री में आ जाए तो आपको क्या चाहिए। तो आप आज ही जाइए इस डेटा सेट के ऊपर, इसे अपवोट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए, इसके ऊपर कर्नेल कीजिए। अपवोट ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरे पास आपकी लिस्ट आ जाएगी तो मुझे पता होगा कि जो 8,000 हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किन किन बच्चों ने यहाँ पे कर्नेल असाइनमेंट जमा करवाई या नहीं करवाई, ताकि आपको मुझे ना बताना पड़े। आप वहाँ अपवोट करेंगे, मुझे आपकी डिटेल्स मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कर्नेल आपने सबने बनाना है, इसके असाइनमेंट के तौर पर जो कर्नेल आप बना के अपलोड करेंगे उसका स्क्रीन शॉट आपने असाइनमेंट में यहाँ पर अपलोड करना है ताकि मुझे पता लग सके। अगर यहाँ पर आप अच्छा काम करेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपको शायद गुफ्तगू से किताबें फ्री मिल जाएँ, वो आपको हायर कर लें, बल्कि मैंने बहुत सारी कंपनीज से बात की है। हम बहुत जल्द एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेटाबेस हम अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें 500,000 रिकॉर्ड्स हैं। मेरी 30 से ऊपर कंपनी से बात हो चुकी है, वो आपके केगल के ऊपर कर्नेल्स देख रही होंगी। उसमें मिडल ईस्ट की कंपनियां हैं, यूएई की है, जॉर्डन की है, कतर की है जो फीफा वर्ल्ड कप वाला करवा रहे हैं, सऊदी अरब की हैं, टेलकोज हैं, रोमानिया की हैं, ओटू वहाँ का टेलको है, अमरीका की हैं और पाकिस्तान की हैं। 30 से ऊपर कंपनीज हो चुकी हैं और मेरी पूरी कोशिश है कैपस्टोन लॉन्च करने तक, अगले हफ्ते तक कंपनीज़ की लिस्ट कम से कम 50 हो जाए। वो सब के सब आपको लाइव देख रहे हैं, आप कर्नेल वहाँ पे बनाएं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका कर्नेल अच्छा होगा, डायरेक्टली वहीं से कॉल आएगी। अगर आप मेरा डेटा साइंस का कोर्स पढ़ के भी डेटा साइंस की जॉब ना कर सकें तो आपका तो कुछ होगा होगा नहीं, मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो काम करें लाइव करें, किसी को कोई शको शुबा ना रहे। आप जाएं, आप बोले ये मेरा कर्नेल है, ये मेरी नोटबुक है, ये जाके देखिए, ये मैंने विजुअलाइजेशन किए, ये मैंने EDA किए। तो आपकी पहली असाइनमेंट है, आप जाइए और इस गुफ्तगू पब्लिकेशंस के डेटा सेट के ऊपर टूट पड़िए और इसके ऊपर काम कीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस करवा देगा जो आगे आने वाला जो जिन प्रोजेक्ट है उसके लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकते। दूसरी असाइनमेंट है, करानदाज ने डेटा पोर्टल लॉन्च किया है अभी कुछ दिन पहले, आपने इस डेटाबेस में जाना है। आपको अगर याद हो हमने सेकंड वीक के असाइनमेंट में पोल पढ़ा था, POLE, नहीं पढ़ा तो पीछे जाके वापस देखिए। यहाँ से अब वो तमाम डेटाबेसेस डाउनलोड करें, डेटा सेट्स जो पोल से रिलेटेड हों, जिसमें हमारे पास पीपल का डेटा हो, ऑब्जेक्ट का हो, लोकेशन का हो, एंटिटीज़ का, और उन CSV फाइल को अपलोड कर दीजिए असाइनमेंट बॉक्स के अंदर। अगर CSV फाइल एक से ज़्यादा आपके पास हैं तो उन सबको आप ZIP बनाइए और ZIP बना के अपलोड कर दीजिए। 100 MB तक की लिमिट है, इससे ज़्यादा अगर आपके पास हो जाए तो ड्रॉप बॉक्स का एक लिंक बनाइए, वहाँ पर उसको शेयर कर दीजिए और उस लिंक को PDF फाइल के तौर के ऊपर या असाइनमेंट पे अपलोड कर दीजिए। असाइनमेंट नंबर 3 ये है कि वापस आपने कर्नेल के ऊपर जाना है, केगल के ऊपर। ये 3 कर्नेल हैं, एक माय कंप्लीट जीनोम है, एक के अंदर पाकिस्तान इलेक्शंस हैं और आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और गवर्नमेंट ने काम उसके ऊपर शुरू कर दिया है, तो इलेक्शन का रिजल्ट कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, और पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ये वो तमाम प्रोफेसर्स का डेटा है जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। आपने सेम काम करना है, अपवोट करना है, डेटा से डाउनलोड करना है, कर्नेल बनाना है, कमेंट्स करना है, डिस्कशंस में जाना है, मैं वहाँ पर इन्वॉल्व हूँगा। आप ये 3-4 काम करेंगे, मेरा गोल ये है कि इस प्रोजेक्ट के कोर्स के आखिर तक आप सब के सब कम से कम केगल एक्सपर्ट बन चुके हों। मैं देखिए केगल मास्टर हूँ, अगर आप नोवाइस का वोट लेते हैं, आपको अपवोट मिलता है नोवाइस का, तो उसका एक ही नंबर होता है। मैं अगर आप में से किसी की कर्नेल को पसंद करके अपवोट करता हूँ वो तकरीबन कम से कम 20 से 50 अपवोट के बराबर होगा। तो अगर मेरा वोट आपको मिलता है तो आप बहुत आराम से केगल एक्सपर्ट बन सकते हैं, अगर मास्टर नहीं भी बने, और मास्टर बन जाएं तो क्या ही बातें, कोशिश करके मैं ही आपको हायर कर लूँगा। तो ये असाइनमेंट्स हैं, इनको बिल्कुल भी हल्का नहीं लीजिएगा, ज़रूर काम करें। इसके अलावा इस दफ़े मैं बहुत सारी रिसोर्सेज अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। एक तो मैंने पेपर बताया था यूथ टिकिंग बम वाला, वो कर रहा हूँ, कुछ लिंक्स दे रहा हूँ। मैं बहुत सारी किताबें अपलोड कर रहा हूँ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, स्टेट्स और बिग डेटा के ऊपर, जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये किताबें अपने हद तक रखिए, इनको कहीं पब्लिकली फ्री मत डाल दीजिएगा, ये ना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बने।
और अगर आपको किताबें पसंद आएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते मेरे पास तो बहुत सारी किताबें हैं, मैं और किताबें अपलोड कर दूँगा। अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते में हम बिग डेटा के दो मॉड्यूल्स रिलीज़ करेंगे जो हमारे गेस्ट लेक्चरर हैं तैमूर साहब, उन्होंने पढ़ाए। अगर आप चाहते हैं कि आप रेडी हैं इसके लिए और मैं पहले रिलीज़ कर दूँ तो मुझे कमेंट्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ईमेल पे बता दीजिएगा, मैं पहले भी रिलीज़ कर सकता हूँ, मॉड्यूल तैयार हैं। ज़्यादा लेक्चर्स हम ज़्यादा इसलिए एक साथ रिलीज़ नहीं कर रहे ताकि आप ओवरबर्डन ना हो जाएं, आराम से टाइम लेके अपनी असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप करते रहिए। अगर हम पहले रिलीज़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगले दो हफ्ते तक कोई लेक्चर रिलीज़, तीन हफ्तों तक कोई लेक्चर रिलीज़ नहीं होगा। बहरहाल इस वीक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है इस दफ़े आपकी असाइनमेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जज़ाकअल्लाह खैरन। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।